शिक्षा विभाग फिर से उस पर उसकी कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत एक स्कूल में हूँ। यहाँ पे मेटाकुंड विद्यालय है ये। यहाँ पे सतपाल महाराज जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी विधायक निधि से यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यहाँ पे वितरित की गई है, जिसमें एक तो ये टीवी सेट है एलसीडी। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो जूम इन करके दिखाए कि ये किस कंपनी का है। ये ऑप्ट्रॉन टीवी सेट एलसीडी ये यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके साथ स्टेबलाइजर और स्पीकर्स और एक हार्ड डिस्क भी दी गई है। लगभग 70,000 से ऊपर का ये सामान पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के लगभग 49 स्कूल्स में वितरित किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एलसीडी टीवी यहाँ पे दिया गया है ऑप्ट्रॉन का, ये कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जो कि मायावती सरकार के कार्यकाल में ये कंपनी बंद हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये 2019 में ये टीवी कहां से आया और कैसे ये चौबट्टा खाल विधानसभा में वितरित किया गया। आप जानते हैं कि जागो उत्तराखंड ने पहले भी खुलासा किया था कि पौड़ी जनपद के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं मदन सिंह रावत और उनके साथ तमाम जो यहां पे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, कैसे वो अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अनुमोदन के लिए पैसा लेते हुए दिखाई दिए थे, उन पर शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब इस तरह का घटिया सामान उन्हीं के द्वारा पता चला है कि उन्हीं के जो पत्राचार हैं उन्होंने ही कोटेशन इनवाइट किए, सब कुछ उन्होंने ही किया और विद्यालयों को केवल ये ऑप्ट्रॉन के टीवी सप्लाई कर दिए गए। ये भी पता चला है कि ये टीवी सेट पहले ही यहां पर सप्लाई कर दिए गए और उसके बाद केवल प्रधानाचार्यों को भुगतान के लिए कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि पौड़ी जनपद के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत हैं, वो फिर से विवादों में है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि ये कहीं कोई असेंबल्ड सेट तो नहीं जो कि 10,000 रुपए में ये सारी सामग्री इकट्ठा करी जा सकती है। तो लगभग अगर हर स्कूल में 10,000 का सामान लगाया गया है घटिया सामान, तो इसमें 50 से 60,000 रुपए बचा लिया गया है और आप इसको अगर 49 से गुणा करें तो ये लगभग 30 से 35 लाख रुपए का ये घोटाला है। और हम चाहेंगे कि सतपाल महाराज जो कि इस इलाके के विधायक हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो इस प्रकरण की जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें, जिससे ये पता चल सके कि उनका जो विधायक निधि है उसका दुरुपयोग किसने किया, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है। जागो उत्तराखंड के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।